हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आपको दिखाएंगे सबसे छोटा हुंडा जेनरेटर। ये हुंडा कंपनी का सबसे छोटा जेनरेटर है। सबसे कम दाम में, कम प्राइस में ये मॉडल मिलता था। और ये मॉडल जो है ये आपको कितना आउटपुट देगा, मैक्सिमम आउटपुट, रेटेड आउटपुट, मतलब आप क्या क्या चला सकते हैं, डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोड देखें आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। जो ये जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड ले रहा है। ये अच्छा इंजन है, ये केरोसिन में चलता है, केरोसिन में, और पेट्रोल में स्टार्ट होता है। तो पूरा वीडियो देखते जाइएगा। ये देखिए हुंडा EK400 मॉडल है। और इस जनरेटर में कुछ बेसिक जानकारी आपको देंगे। ये पेट्रोल और केरोसिन का कैप है। यहाँ पर पेट्रोल रहता है और यहाँ पर केरोसिन रहता है। पेट्रोल देके स्टार्ट करना होता है और रनिंग केरोसिन पर होता है। वो आपको स्टार्ट करके हम दिखाएंगे। देखिए ये है एसी आउटपुट, यहाँ पर एसी आउटपुट निकलता है। और ये सर्किट प्रोटेक्टर है, एमसीबी का जैसा काज करता है। और ये है ऑयल अलर्ट लाइट, ठीक है। ये सर्किट प्रोटेक्टर मतलब आपका ज़्यादा लोड होने से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कट हो जाता है। और ये है ऑयल अलर्ट लाइट, इसमें इंजन पर ऑयल नहीं रहने से लाइट जलता है, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, फिर ऑयल डालने से इंजन स्टार्ट होता है। और ये है इंजन स्टॉप स्विच, ऑन और स्टॉप, ऑफ करने का स्विच इंजन, ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिक ऑफ होगा, वो सिस्टम भी लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे। ये इंजन स्टार्ट करके आप सो गए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपको करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सिस्टम इस मॉडल पर लगा हुआ है। हुंडा का जितना मॉडल है वो सिस्टम आप लगा सकते हैं। वो अलग से एक डिवाइस होता है, हुंडा कंपनी वो बनाता नहीं है, ये मार्केट में मिलता है दूसरा कंपनी का। वो डिवाइस आप लगा के ऑटोमेटिक बंद कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चेंजर कहता है उसको। आपको बताएंगे उसके बारे में और दिखाएंगे। तो देखिए इसका मैक्सिमम आउटपुट और रेटेड आउटपुट आपको बता देते हैं। देखिए ये मैक्सिमम आउटपुट है 450 VA और रेटेड आउटपुट है 350 VA। ये 350 में आप चला सकते हैं। और ये जितना मैक्सिमम आउटपुट है उससे भी ज़्यादा हम लोड देके आपको दिखाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करके लोड देके चला के दिखाएंगे। और ये कंटिन्यू इंजन हम चला सकते हैं 6 आवर्स तक, फिर 1 घंटा रेस्ट देके फिर 6 आवर्स तक चला सकते हैं। और ये कंटिन्यू आप जो इतना सर्विस देगा 6 आवर्स, बैटरी में इतना नहीं देगा। आपके पास इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में इतना टाइम तक बैकअप नहीं देगा, जनरेटर में जितना टाइम तक देगा। और ये है रिकॉइल स्टार्टर, टानने पर स्टार्ट होता है, ठीक है। आप टानने से इजी स्टार्ट हो जाता है। इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, छोटा मॉडल इसीलिए इसमें सेल्फ नहीं है। और यह है स्टार्ट करने का नॉब, फ्यूल कॉर्क, स्टार्ट मतलब पेट्रोल, रन मतलब किरोसिन। इसमें जो कैप लगा हुआ था वो ओरिजिनल कैप जो कंपनी में सेट हुआ था वो टूट गया था, वो नहीं मिल रहा, तो इसीलिए हमने ये दूसरा मॉडल का लगा दिया। हुंडा EBK 1000 मॉडल का ये फ्यूल कॉर्क है, वो फ्यूल कॉर्क इसमें सेट कर दिया हमने। तो कैसे सेट किया वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो वीडियो हम अपलोड करेंगे, ज़्यादा अगर कमेंट आएगा तो। तो देखिए इसको फ्यूल कॉर्क कहता है, एक ही नॉब में स्टार्ट होगा, रन होगा, स्टॉप होगा। और इस इंजन का सर्विस बताते हैं आप। देखिए ये 1 लीटर केरोसिन में 2 घंटा से ज़्यादा चलेगा, 1 लीटर केरोसिन में। अब इसका प्राइस बता देते हैं। ये 2011 का मॉडल है, ये 2011 में लिया था 16,000 में। अभी ये मॉडल मिलता नहीं है, जिसके पास ओल्ड स्टॉक होगा उसके पास मिलेगा। तो देखिए ये है कार्बोरेटर, यहाँ पर ये कार्बोरेटर क्लीन करना पड़ता है, हमने इसको किया है आज। और ये है स्पार्क प्लग, जहाँ पर स्पार्क प्लग रहता है। और ये मॉडल आपको स्टार्ट करके लोड दे के दिखाएंगे, साउंड भी सुनाएंगे। ये साउंडलेस जनरेटर कहता है हुंडा कंपनी, साउंड बहुत कम होता है। अगर आपका कम कैपेसिटी का चाहिए तो ये इंजन सबसे अच्छा है। यहाँ पर इंजन ऑयल डालता है और यहाँ पर इंजन ऑयल का जो लेवल है वो चेक करता है, फिलर गेज बोलता है। ये क्लॉक वाइज टाइट होता है, एंटी क्लॉक वाइज खोलता है। और ये है देखिए जो ऑटोमेटिक ऑफ करने वाला सिस्टम है, इसमें 2 तार निकलता है, 2 वायर। ये वायर स्लिप प्लग में लगा देना है। तो डिवाइस जो है मेन डिवाइस वो घर में लगा हुआ है, वो डिवाइस काम करता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, उसके बाद जनरेटर से करंट में हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं लोड देके। तो देखिए ये इंजन स्टार्ट करने का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। ये जो प्रोसेस आप स्टार्ट करने का प्रोसेस सही से करते हैं तो एक बार टालने से स्टार्ट होगा। ये जो नॉब है
स्टार्ट करने का, ये पहले आपको स्टार्ट में देना होगा जहाँ पर ऊपर तरफ, और चोक कर लेना होगा। चोक करने के बाद थोड़ा टाइम रुकना है, कार्बोरेटर तक पेट्रोल आने के लिए टाइम देना होगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, एक बार में स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट हो गया, उसके बाद संगे संग चोक ऑफ कर देना है, और उसके बाद जो पेट्रोल है पेट्रोल से रन कर देना है, मतलब केरोसिन पर कर देना है फ्यूल कॉर्क। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया, आप साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद आपको लोड देके टेस्ट करके दिखाएंगे, ये जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोड देके आपको दिखाएंगे। ये हुंडा है इसीलिए लोड ज़्यादा ले पाता है, मतलब जितना कैपेसिटी है उससे थोड़ा लोड ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, तो ये साउंड सुन सकते हैं। और एसी आउटपुट में हमने देखिए कनेक्शन लगा दिया, उसके बाद आपको लोड देके दिखाते हैं। देखिए ये कनेक्शन, और ये है सर्किट प्रोटेक्टर जिसको MCB भी कहता है, वो ऑन रहना चाहिए तभी आपको घर में करंट जाएगा। तो देखिए ये लोड टेस्ट बेंच है, यहाँ पर लोड टेस्ट करते हैं। तो एम्पियर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सब ठीक है। अब बल्ब आपको जला के दिखाते हैं। तो देखिए ये 100 वाट का बल्ब है, और ये 200 वाट का बल्ब है, और एक जला के दिखाते हैं। ये देखिए साइड में जा रहा है, देखिए ये 200 वाट का बल्ब है। ठीक है, 200 200 400, और पहले जा रहा है 100, तो टोटल 500 वाट का बल्ब है। देखिए ये टोटल 500 वाट का बल्ब जल रहा है। तो इसका लोड जो कैपेसिटी है रेटेड आउटपुट 350। तो हम देखिए बल्ब बंद करके देखा देते हैं, वो एक्स 100 लिखा हुआ था 100 वाट का, देखिए ये 200 वाट का लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं बल्ब। ठीक है, और ये भी 200 का है। ठीक है, तो टोटल 500 वाट का जला के आपको देखा यार, ये जनरेटर जो कैपेसिटी है वो रेटेड आउटपुट है 350, मतलब 350 में आप चला सकते हैं ऐसा कंपनी कहता है। लेकिन जो हुंडा का जनरेटर है थोड़ा ज़्यादा होने से भी ये लोड ले लेता है, चलता है सही से। तो आपको दिखाया प्रैक्टिकली लोड देके जनरेटर का कैपेसिटी से ज़्यादा। तो देखिए आज दिखाया इस मॉडल के बारे में, और आप दूसरा मॉडल की वीडियो देखना चाहते हैं हुंडा जनरेटर का और दूसरा कंपनी का जनरेटर का, तो मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है टेक्निकल हेल्प MK चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, और वीडियो का ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह आप नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जितना वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब का बगल में जो बेल का आइकन है वो ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल पे बहुत सारा हुंडा जनरेटर का वीडियो दिया हुआ है, बहुत सारा मॉडल का दिया हुआ है, वो वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।